पहली बार रिया और शौविक का ड्रग चैट आया है सामने। एक तो चाबी का रहस्य और दूसरी तरफ ये ड्रग चैट। अर्शी खान, इससे क्या समझ में आता है? मैंने आपसे पहले भी बोला कि जैसे हमारे बहुत बार बात हुई है, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने मुझे बहुत बातें भी सुनाई थी इसके ऊपर। काश वो यहाँ पर होते तो मैं उनको बताती कि मिस्टर श्रीवास्तव है, दिखा दीजिए, रवि श्रीवास्तव का जिक्र कर रही है। हाँ, बोलिए बोलिए, रवि जी को दिखा दीजिए। हाँ। वो इतने ज्यादा बुजुर्ग इंसान जो बड़ी औरतों के चरित्र की बात कर रहे थे कि आप किसी के चरित्र पे कैसे सवाल उठा सकती है, कैसे कर सकती है, और नेशनल टेलीविजन यहाँ पर टीवी पर बैठ कर वो मुझसे बोल रहे थे कि आप शक्ल से चर्सी दिखती है, आप शक्ल से चर्सी दिखती है। तो सबसे पहले ना आप उनको ये चैट दिखा दीजिए और उनसे ये बता दीजिए कि आपको बुजुर्ग होते हुए भी तजुर्बा नहीं है, और अगर आप रवि जी उनको बोल लेने दीजिए, रवि श्रीवास्तव प्लीज बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। प्रूफ भी हुआ है, आप इसे वो करके बताइए ना कि नहीं मैं झूठी हूँ, आ रही आ रही रुक जाइए, झूठी है, आ रही ठीक है, जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि अब तो ये व्हाट्सएप चैट सामने आया है, आप सबको झूठलाते रहते हैं। ये अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया है कि रिया ड्रग लेती थी। उसने ड्रग लेने से आपके आपके चैनल, अरे अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली है, ये भूल जाते हैं, मैंने आपकी बात सुन ली है, तो क्यों बेइज्जत, अरे मैंने आपकी बात सुन ली है, अब आप चुप हो जाइए, आपने तो मुझे, अब आप चुप हो जाइए। अर्शी खान थोड़ा सब्र रखिए, जवाब सुन लीजिए, आपके बोल देने से कोई चर्ची नहीं हो जाएगा और मेरे बोल देने से कोई चर्ची नहीं हो जाएगा, शर्म करिए आप भी। आपको आपको कोई मतलब नहीं है कि आप किसी को चर्ची बोले, आपको किसी को गाली देने का हक नहीं है, आपको किसी को हत्यारा कहने का हक नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप अगर सबूत है तो यहाँ पेश करिए, अगर सबूत है तो दिखाइए सामने, डेफिनेटली मुझे चुप करेंगे। आप बकवास नहीं कर सकते, आपकी बकवास से मैं सहमत नहीं हूँ, आप जैसे आपकी बकवास से मैं सहमत नहीं हूँ, आपको किसी को गाली देने का हक नहीं है। अच्छा ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी हम एक एक करके दिखा रहे हैं किससे कितने घंटों की पूछताछ हो गई है, दिखाइए वो, दिखाते रहिए ग्राफिक्स। रिया चक्रवर्ती से कितनी बार, शौविक रिया का जो भाई है 35 घंटे रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है, पिता से भी आज लगभग 5.5 घंटे हुई है, 44 घंटे शौविक रिया के भाई से पूछताछ हुई है, ये दिखाते रहिए। लेकिन जल्दी से ये बताइए आप रवि श्रीवास्तव जी, ये चैट क्या कहता है? ड्रग्स मुहैया कराया जा रहा है, किसके लिए कराया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन दोनों की तो बातचीत हो रही है ना, आप इन डेप्थ नॉलेज देखिए। एक सेकंड सवाल तो सुनिएगा ना, कि अपनी तरफ से सिर्फ भाषण दीजिएगा, सुनिए। वो कह रहे हैं कि 5 ग्राम लेते हैं, 5 ग्राम में 20 सिगरेट बन जाएगी, ये शौविक लिख रहे अपने व्हाट्सएप चैट में, इसका मतलब क्या है? देखिए ये चैट आपके पास पहली बात तो अगर है तो मैं इस चैट पर विश्वास नहीं करता, और अगर ये चैट सच भी है, अगर ये चैट सच भी है तो ये सिर्फ इतना बताती है कि रिया किसी के लिए ये ड्रग का प्रबंध कर रही थी, किसी के लिए ये ड्रग का प्रबंध कर रही थी, और ये कानूनन अभी तक ये नहीं कहा, और ये कानूनन किसके लिए, मिस्टर श्रीवास्तव, और ये कानूनन अपराध है, बोलिए। नहीं, ये कानूनन एक थर्ड पार्टी डिस्कशन है, इसमें वो स्पष्ट अपने आपको बताएगी, ड्रग्स का इंतजाम कराना, वो जवाब दे। अरे सर कड़िया तो सुनिए सुनिए, 15 मार्च की ये बातचीत है, 17 मार्च को एनसीबी का कहना है, उन्होंने पकड़ा भी है 2 पेडलर्स को, सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स डिलीवर किया गया है शौविक चक्रवर्ती के बिहाफ पर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? मैं बताता हूँ कानून क्या है, इसका अर्थ पता आपको, गणेश को दिखाइए, गणेश को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में पिछले 30-40 साल से उनका ऑफिस है, ये सुशांत की हत्या के बाद ही वो धोखे उठे, अब तक क्या कर रहे थे, अब तक गणेश गणेश जी ठीक है, गणेश जी को सुनिए, बॉलीवुड में उन्होंने, अरे यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे थे इतने दिनों से, पूछिए ना आप, ये पूछ रहे हैं साल से, आप भी पूछिए, ऑफिस है वो क्या मुफ्त की तनख्वाह ले रहे थे क्या, आप भी पूछिए क्या मुफ्त की सैलरी ले रहे थे क्या, वो गणेश जी, गणेश जी एक एक करके सबको बोलना है, सबको बोलना है, देखिए रवि जी आपको दिक्कत ये है ना, आपको लगता है कि एक घंटे में सिर्फ आप ही को बोलना है, इतने सारे लोग हैं, प्लीज गणेश जी,
मैं पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ, ये रवि श्रीवास्तव जी है ना, इन्होंने तो बहुत ही बेतुकी बात कर रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में शक्ल भी नहीं देखी सुशांत की, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों से हाँ। सुशांत मिलता भी नहीं था। दूसरी बात, जो सिगरेट में बनाते हैं ना, मैं तुम्हारे पास में नहीं बोला, अभी चुप करो, अभी चुप करिए, तमीज से बात करिए, पर्सनल एक्यूजेशन मत कीजिए, ये डिबेट आप लोगों के बारे में नहीं है। रवि जी प्लीज, ठीक है। गणेश, गणेश आप पर्सनल आरोप मत लगाइए, सीधा आप टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। गणेश, गणेश टॉपिक पे आइए। दूसरी बात ये है अंजना जी, दूसरी बात ये है कि रवि जी आपने बोला कि ये चार्ट क्या आप भरोसा नहीं करते, आज तक वाला आज तक डायरेक्टली दिखा रहे चार्ट पे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ पहले कंफर्म किया होगा तभी टेलीविजन पे दिखा रहे हैं ना आपको। आज तक क्या आप आज तक कोई क्लेम कर रहे हो कि उन्होंने चार्ट गलत साबित किया? दूसरी बात, आप डायरेक्टली क्लेम कर रहे हो सुशांत के ऊपर ड्रग्स, और हम जब रिया के ऊपर प्रूफ के साथ बोलते हैं तो आप मानते नहीं हो। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।